अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, मैं ये कुरान शरीफ आपके हरम में हदिया करने जा रहा हूँ, आप इसको कबूल फरमाइए और हमारी शफात फरमाइए या रसूलुल्लाह। अल्लाह के हुक्म से दरूद आप तक पहुँचता है और आप हमें सुन सकते हैं, तो हमारी शफात कर दीजिए। मेरे वालदेन की गुनाहों की बख्शीश फरमा दीजिए, मेरे वालदेन के माँ बाप, उनकी आल औलाद, उनके जद की बख्शीश फरमा दीजिए। ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे नबी, आपको अपने उस परवरदिगार का वास्ता जिसने कुल कायनात बनाई, आपको उस परवरदिगार का वास्ता जिन्होंने आपको आखिरी नबी बना के इस दुनिया में भेजा और नबियों का सरदार बनाया, आपको वास्ता अपनी आल औलाद का, आपको वास्ता अपने चचाजाद भाई हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, आपको वास्ता बीबी फातिमा तो ज़हरा का, जो आपकी प्यारी बेटी थी, जो आपने कुल अरब में औरतों की इज्जत और मकाम और दर्जात को बुलंद फरमाया, आपको वास्ता हुसैन और हसन की शहादतों का और तमाम अहले बैत की शहादतों का, आपको वास्ता देता हूँ कि हम आपके घर, आपके हरम में आए, हमें बार बार और जिन जिन का दिल है और ख्वाहिश है उनकी पूरी कीजिए, शफात कीजिए कि वो आपके हरम में आए हज उमरा और ज़ियारात के लिए, ज़ियारात के लिए। ऐ नबी, आपको वास्ता देता हूँ अल्लाह की ज़ात का, जिसकी जान, जिसकी हाथ में हमारी जाने अमानत है और वापस को हमने लौट के जाना है, कि आप इस हदिया को कबूल फरमा दीजिए। ऐ परवरदिगार, मैंने वास्ता दिया तेरे प्यारे नबी का, ऐ परवरदिगार, मैंने वास्ता दिया अहले बैत का कि अपनी बारगाही में, आपके अपने बारगाही में हमारे इस हदिया को कबूल फरमा दीजिए और तमाम गुनाह नान कबीरा सगीरों की मगफ़रत फरमा दीजिए, तमाम गुनाह, हकूक अल्लाह, हकूक अलबाद, हकूक अलौलाद, हकूक अलवालदैन, हकूक अलहमसाए, तमाम हकूक जिसमें हमसे कोताहियाँ हुई, गलती हुई, जानबूझ के या गलतियों से माफ़ फरमा दीजिए। ऐ परवरदिगार, आपको वास्ता है अपनी ज़ात का कि आपने हमें मौका दिया दोबारा इस घर का हाजिरी लगाने का। ऐ परवरदिगार, खैर खैरी से हमारी उम्रें हों और उन उम्रों का सवाब दर्जात बुलंदतर फरमाएँ, और जिन जिन की नीयत का हो उसको आप कबूल फरमाएँ। ऐ परवरदिगार, आपको वास्ता है अपनी खलकत का, कायनात का, जो आपने कायम की, आपको वास्ता है अपनी ज़ात का जो इतनी बुलंद आला और शान वाला है, आप अपने बारगाह में हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए और हमारे इस छोटे से हदिया तोहफे को कबूल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, मैं इस वक्त हरम के अंदर हूँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में हूँ, दिल करता है कि मैं दुआएं मांगता रहूँ और अपनी इल्तिजा आप तक पहुँचाता रहूँ, आप कबूल फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।